उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए 24 अक्टूबर की रात भारी थी। वजह था दाना तूफान। बंगाल की खाड़ी में पनपे इस तूफान ने कल रात से लेकर आज तड़के तक भारत के पूर्वी तट पर भयंकर तबाही मचाई है। 120 किलोमीटर की रफ्तार से यहां से साइक्लोन दाना गुजरा। इस चक्रवाती तूफान ने उड़ीसा के धामरा के पास लैंडफॉल किया और तेज हवाओं ने पूरा इलाका तबाह कर दिया। उड़ीसा के भद्रक, केंद्रपाड़ा और बालासोर में अचानक हवा की रफ्तार काफी बढ़ गई। अब यहां 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। उड़ीसा के भद्रक में चारों तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। बंगाल और उड़ीसा के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तूफान को देखते हुए दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की कई टीमें अलर्ट पर हैं। देखिए उड़ीसा में तूफान ने यहाँ कितनी तबाही मचाई है। बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए हैं और अभी भी तेज हवाएं चल रही हैं, साथ ही तेज बारिश का भी प्रकोप बना हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तूफान ने कैसी तबाही मचाई, एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। केंद्रपाड़ा के दीघागढ़ एक गांव में हम मौजूद हैं और दाना तूफान के गुजरने के बाद का असर क्या है? तूफान अपने साथ तबाही लेकर आता है, जब जाता है तो तबाही के निशान छोड़ जाता है। अब यही तबाही के निशान हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये गाँव की एक छोटी सी पगडंडी, छोटा सा रास्ता, और यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा पेड़ आकर गिरा हुआ है। और पेड़ जब गिरा तो रास्ता को ब्लॉक कर गया। और ना सिर्फ पेड़ गिरा, क्यों तूफान के बाद ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, क्यों लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है, इवैक्यूएट कर दिया जाता है, क्योंकि गांव में इस तरीके से घर होते हैं, घरों पर पेड़ गिरे तो वो अलग नुकसान। और आप ये देखिए, ये जो पेड़ गिरा है ये बिजली के तारों पर किस तरीके से गिरा है, इससे इस पूरे इलाके की बिजली भी एहतियातन काटी गई है। कई सारे बिजली के पोल हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा हुआ है। तो अब जब ये तूफान का असर खत्म हो जाएगा, जब ये तूफान पूरी तरीके से आगे बढ़ चुका रहेगा, जब बारिश का दौर थमेगा, जब हवाओं का दौर थमेगा, तो उसके बाद आकलन इस बात को लेकर होगा कि नुकसान कितना हुआ है, उस नुकसान को ठीक कैसे किया जाए, जहां पर इस तरीके से बिजली के पोल गिरे हैं, तार गिरे हैं, उन्हें कैसे ठीक किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे रिस्टोर किया जाए, पेड़ों को हटाकर रास्ते को कैसे क्लीन किया जाए, ये सब कुछ जोर रहेगा आगे आने वाले समय में। लेकिन अभी यहाँ पर बारिश हो रही है, अभी हवाएं चल रही हैं, और एक बार जब इन तूफान का दौर थमता है, एक बार जब पूरी तरीके से तूफान कमजोर पड़ जाता है या फिर इस इलाके से निकल जाता है, तो फिर प्रशासन की चुनौती इस बात को लेकर होगी कि इस तरीके से बिजली के पोल को कैसे ठीक किया जाए, किस तरीके से पेड़ों को काटकर हटा दिया जाए। ऐसे कितने बिजली के पोल गिरे होंगे आगे? ये बिजली का लाइट का तार सब खराब हो गया। हाँ, कल रात को ऐसे गिर गया, इसलिए बंद हो गया सब। बंद हो गया? हाँ। तो लाइट तो होगी नहीं अभी? नहीं, अभी तो नहीं, काट गया मूल कल रात से गया। गांव के लोग रात में कहाँ थे, घर में कि स्कूल पर? कुछ लोग घर में थे, कुछ लोग स्कूल पर थे। अच्छा, जिनका कच्चा घर होगा उनको स्कूल भेज दिया। हाँ, हाँ, है। कितनी आबादी है इस गांव में, मतलब कितने लोग रहते हैं? मैक्सिमम 400 के आसपास। तो देखिए 400-500 लोग परिवार जो इस गांव में रहता है, एक छोटा गांव, और उसके बाद 1200 आदमी, 400-500 परिवार होगा, है ना? तो ये 1200 की करीब आबादी और एक गांव, और इस तरीके से बिजली के पोल का गिरना, और इसीलिए एहतियातन लोग बता रहे हैं कि जिनके घर कच्चे थे, जिनके घर पर छप्पर था, जिस पर पेड़ गिरे तो ज्यादा नुकसान हो सकता है, लोगों की जान पर बना सकती है, उन्हें यहां से दूर स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया था ताकि सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें, और एक बार फिर से जब तूफान कमजोर पड़ जाए तो वो फिर वापस अपने घरों की ओर आए। और यही हुआ है, रात के बाद जब सुबह हुई है, लैंडफॉल थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। अब ये लग रहा है कि सिर्फ हवाओं और बारिश का दौर रहेगा, बहुत ज्यादा तबाही इसके बाद नहीं हो सकती है। तो लोग अपने घरों को वापस आए हैं, देख रहे हैं कि कितना नुकसान पहुंचा हुआ है, घर में क्या सामान सुरक्षित है, क्या सामान नहीं सुरक्षित है, तो ये सब कुछ। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें आप देख रही हैं, दाना तूफान के बाद साफ पानी पीने के लिए पानी, ये भी एक चुनौती है, उसको इकट्ठा करके रखना, बिजली के पोल, इसीलिए इस पूरे इलाके में बिजली काट दी गई है। तो ये तमाम तस्वीरें तूफान के बाद जो तबाही के निशान है उसकी। दाना तूफान को लेकर भद्रक के एसपी ने क्या बताया है, ये भी सुनिए। लैंडफॉल का प्रोसेस होने के बाद अभी आप देख रहे हैं विंड स्पीड कम हुआ है, रेनफॉल थोड़ा कम हुआ है धामरा एरिया में, और हमारा रेस्क्यू टीम सभी बाहर निकल रहा है। एनडीआरएफ का जो एक टीम जो यहाँ पे डिप्लॉय है,
उसको हम रेकी के लिए भेज रहे हैं, कहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है, या जो हमारा मेन रोड है धामरा से लेके बस देवपुर जमदरी तक, उसको हम पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद जहाँ से हम रिपोर्ट आ रहा है, कंप्लेंट आ रहा है या जो भी इशू आ रहा है, उसको हम रिजोल्व करेंगे। NDRF ODRF सब रेस्क्यू टीम मिला के जल्द से जल्द हम इसको रोड कम्युनिकेशन ओपन करेंगे। उसके बाद कोई कोई इशू होगा, कोई हाउस डैमेज हो गया होगा, गच या ट्री पेड़ कहीं गिर गया होगा, यानी कोई इशू होगा, जो भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स होगा तुरंत उसको करके कहाँ पे कुछ नुकसान ज़्यादा हुआ है पेड़? कुछ खबर ऐसा ज़्यादा कुछ खबर नहीं है। रोड तो आप देख रहे हैं ओपन है, और जैसा भी जहाँ से हम छोटा मोटा रिपोर्ट जो आ रहा है उसको हम तुरंत रिजोल्व करके पब्लिक का हेल्प और इंश्योर करेंगे। सर ODRAF का कितना टीम यहाँ पर मौजूद है? ODRAF का यहाँ पे एक NDRF टीम है, ODRAF टीम आगे इस रोड में है बंसड़ा के तरफ और नायकंडी जो अपना रोड है चूड़ामनी से इस तरफ भी रखा है। तो अभी हम जा रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कहाँ क्या हुआ है, उसको हम लोकली सब रिजोल्व करेंगे। फिर भी सर यहाँ कितने अफेक्टेड होने का चांसेस है अभी तक, और कितने खबर आपको मिली है, और आपके तरफ से क्या कुछ चल रहा है अभी? नहीं, अभी जैसा कि अभी जस्ट थोड़ा क्लियर हो रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर अभी जस्ट क्लियर हो रहा है, तो अभी रेस्क्यू टीम निकलेंगे, जैसे जैसे खबर आता रहेगा हमको कंट्रोल रूम से खबर आता रहेगा वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसे कुछ मेजर डैमेज का कुछ इशू नहीं है, या कुछ कोई इंजुरी या किसी का कुछ रिपोर्ट नहीं है, जैसा भी डेवलप होता रहेगा उसको हम रिस्पॉन्ड करके आगे। साइक्लोन एक बात है, पोस्ट साइक्लोन, साइक्लोन के बाद ही ज़्यादा असर दिखने को मिलता है, तो क्या लग रहा है सर उसको तैयारी के लिए भद्रक प्रशासन आपका काम रहा है? यस सर, हम पूरा रेडी है सर, अब हमारा पूरा डिप्लॉयमेंट उस तरफ से हमने किया था एडवांस प्लानिंग करके कहाँ पे रखना पड़ेगा। रेस्क्यू टीम हम सब जो है लोकल पुलिस उनका कोऑर्डिनेशन करके हम तुरंत इसको रिजॉल्व करेंगे। लोकल पुलिस कितने प्लाटून यहाँ पर मौजूद है? यहाँ 15 प्लाटून हम भेजे थे और ऑफिसर भी भेजे थे, DSP रैंक ऑफिसर सुपरवाइज करने के लिए। मैं खुद धामरा में कल था, तो आई थिंक बहुत जल्द हम सब कम्युनिकेशन सिस्टम सब ओपन कर देंगे। तूफान के टकराने का स्थान पुरी के नज़दीक है, इसलिए विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ कोणार्क के सूर्य मंदिर की सुरक्षा को लेकर विशेष कदम उठाए गए हैं। जो श्रद्धालु यहाँ आए हैं वे फंस चुके हैं। पुरी में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। ओडिशा के पुरी, खुर्दा, गंजम और जगतसिंहपुर जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोग रेलवे स्टेशनों पर फंसे हुए हैं और वे घर कैसे जाएं ये समझ नहीं पा रहे। दिल्ली को जाने वाले थे, अब यहाँ आके देखा तो सारी ट्रेनें रद्द हो गई है। 3-4 दिन के बाद में बोल रहे हैं ट्रेनें चालू होंगी। क्या वजह है आपको पता नहीं था? जी पता नहीं था, इसलिए आ गए थे। जी इंतजार ही करेंगे और क्या करेंगे, इधर ही वेट करेंगे जब तक। पता नहीं था, हम लोग यहाँ काम कर रहे थे क्योंकि हम लोग आ गए यहाँ, हमें हम पता नहीं, हम लोग खड़गपुर जाने वाला थे। नहीं साइकिल पता नहीं था, हम लोग ट्रेन चल रहा है उतना देखा नहीं, हम लोग न्यूज देखा था नहीं, चलाया जी के स्टेशन में आके देखे ना थाम गया, यहाँ भी तो खाने का होटल सब बंद हुआ था। तूफान पिछले 6 घंटों में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा और फिर केंद्रपाड़ा जिले के भीतर कर्णिका और भद्रक जिले के धामरा के बीच आ गया। इस दौरान हवा की गति करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इसकी वजह से पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में भी तेज हवाएं चल रही हैं। दाना के असर की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है और तेज हवा चल रही है। चक्रवात दाना को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अलर्ट है। बंगाल में दाना तूफान का खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि चक्रवाती तूफान दाना का जो लैंडफॉल है अब वो पूरी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और ये जो चक्रवाती तूफान है दाना अब धीरे धीरे अगले कुछ घंटों में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होगा और उसके बाद और भी ज्यादा वीक होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील होगा। लेकिन खतरा जो है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए अभी भी नहीं टला है, क्योंकि भले ही ये चक्रवाती तूफान जो कोस्टल इलाके है, तटीय इलाके हैं बंगाल के और खास तौर पे वो जिले जो ओडिशा के पास है और उनसे सटे हुए हैं, वहां से भले ही ये चक्रवाती तूफान आगे गुजर गया हो, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में और दिनों में भारी वर्षा जो है प्रिडिक्ट की है मौसम विभाग ने और इस बारिश से जो है बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। उस बीच हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पूर्वी मिदनापुर के, ये दीघा का, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको तस्वीर दिख रही है कि अभी भी तेज हवाएं चल रही है। आप पेड़ों का हाल देखिए किस तरह से एक तरफ वो झुक रहे हैं
और साथ ही समुन्दर अब भी उफान पर है। यहाँ पर भी तेज बारिश हो रही है, तेज हवाएं हैं और जो रौद्र रूप जो धारण कर लिया था समुन्दर ने वो अब भी कायम है, लेकिन धीरे धीरे ये परिस्थिति जो है अब बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन बारिश जो है अगले कुछ दिनों तक लगातार चलती रहेगी पश्चिम बंगाल के न सिर्फ तटीय जो जिले हैं वहां पर, लेकिन कोलकाता और उसके आसपास के जिले में भी जो है भारी वर्षा फिलहाल चलती रहेगी। तूफान के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में करीब 1000 राहत शिविर खोले गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद हालात का जायजा ले रही हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 22 कंपनियों को तैनात किया है। इसके अलावा बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। तूफान का असर बिहार और झारखंड तक दिखाई दे सकता है। करीब 6 राज्यों में तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।